फिफ्थ स्टैंडर्ड आज EVS में हम देखेंगे कि क्लोज योर आइज टेस्टिंग ऑफ द बर्ड्स, क्लोज योर आइज एंड फील द टेस्ट. जब आप कुछ भी खाते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि मैम ये जो हमने पढ़ा है, ये जो हमने चखा है वो कैसा है. तो इसमें आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि कैसे खाया हुआ आपको पता चलता है कि ये कौन सा टेस्ट दिलाता है. तो पेज नंबर 24-25 में हम देखेंगे फ्रॉम द टेस्टिंग टू द डाइजेशन. डाइजेशन तक कैसे हमारा प्रोसेस ख़त्म होता है वो आपको दिखाना है. ठीक है, आपको ये बताना है कि हमने आज कैसे इतना अच्छे से कर चुके. हम खा के बच्चों कैसे हम पचा सके उनको, क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छे से च्यू नहीं करते हैं, तो च्यू के कारण कि ये भी वजह से वो सलाइवा उनके साथ अच्छे से मिक्स नहीं होता है और उनको काफ़ी इनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं. तो यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग. आपने क्या करना है, आपने ये जो हमारा टंग है, जीभ है, इसको आपने एक स्वच्छ कपड़ों से साफ़ करना है और फिर उस पर गुड़ या शक्कर रखनी है. फिर आप देखिए आपके टेस्ट बर्ड्स कैसे फील करते हैं, क्या आपको समझ में आता है. स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और लुक क्लोजली क्या होता है. हाउ डज द सर्फेस ऑफ इट लुक, डू यू सी एनी लिटिल बम्प्स ऑन द सर्फेस आपको दिखाई देते हैं. Discuss and write. If somebody asks you to describe the taste of the आंवला or cucumber, तो कैसे आपको लगता है. आंवला अगर आपके जीभ पे रखे गए बच्चों तो आपको कैसे लगेगा वो आपको यहाँ पे फील करना है. फिर अगर आपको डिस्क्राइब करना है टमाटो रखा तो कैसे लगता है, अनियन सौंफ है ना, और गार्लिक, ये कैसे आपको लगता है, ये आपको इसमें लिखा गया है. तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है कौन सी बातें कितनी कितनी इम्पॉर्टेंट है. फिर ऐसे करके आपका आवाज़ आएगा उसमें से और फ्रेंड्स को भी पता चल जाएगा कि आपने ऐसे, आप खेल सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ कि ऐसे में आपको क्या पता चल जाएगा. चिल्ड्रन विल हेल्प बिकॉज इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, है ना. उनको बच्चों को कभी कभी आपको, अगर छोटे भाई को ऐसे आपने किया है तो उनको पूछना पड़ेगा आपको कि ये कोमहिया कौन सा टेस्ट है, क्योंकि सबको हर चीज़ नहीं पता होती है. तो च्यू च्यू करके क्या डिफरेंस होता है, च्यू च्यू करके पता चलता है. ब्रेड अगर आप खा रहे हो, रोटी अगर आप खाते हो, है ना, सूजी का हलवा खाते हो तो भी आपको, राइस खाते हो तो भी आपको पता चल जाता है बच्चों. तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, आपको देखना है नेक्स्ट पेज पे हमको क्या बताया है. पुट इट इन योर माउथ, आपको ये चीज़ आपके दिमाग में रखनी है कि जब आप अपने पुट इट इन योर माउथ करते हैं तो फिर कितना च्यू करना है, 4-5 बार, 6 बार, सॉलो होने से पहले आपको बार बार इसको च्यू करना है. यहाँ पे ये दिखाया गया है, तो ये इंस्ट्रक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको फॉलो करनी है बच्चों. ठीक है, डज द टेस्ट चेंज व्हेन यू च्यू, यस इट चेंजेस. जैसे आप मकई खाते हो तो बहुत ज़्यादा स्वीट और स्वीट वो आता है दिमाग में और बहुत ज़्यादा स्वीटनेस उत्पन्न होती है. नाउ टेक अनादर पीस ऑफ राइस एंड च्यू इट, ओके, 30 to 20 times ये आप च्यू कीजिए. और इज़ देयर एनी चेंज इन द च्यूइंग प्रोसेस, क्या चेंज है क्या उसमें, वो आपको देखना है, क्योंकि आपने लगातार उसको च्यू किया है और लगातार आपने उनको अच्छे से महसूस कराया है कि हम चबा चबा के खाते हैं. जितना चबाओगे, भैंस और काउ को भी आपने देखा है कि वो चबाते हैं तब जाके उनका इतने अच्छे से पाचन शक्ति होती है. हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड च्यू योर फूड, हाँ, घर पे हमें, हम सब लोग, डैड मॉम सब लोग बोलते हैं बच्चों बहुत जल्दी, हेस्ट मेक्स वेस्ट, आप खाते वक्त प्लीज़ ज़ोर ज़ोर से च्यू मत कीजिए, आराम से च्यू कीजिए.
इमेजिन योर ईटिंग समथिंग हार्ड ग्रीन गुआवा. अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वाला वो पेरू खा रहे हो, पेरू बोलते गुआवा बोलते हैं, जामफल बोलते हैं, तो आपको पहले कठिनाई लगेगी कि इतना तेज़ कैसे दे दिया मैम ने, इतना हार्ड कैसे दे दिया. फिर अकॉर्डिंग जब आपका सलाइवा उस चीज़ से मिक्स होगा फिर आपको अच्छे से खाने का मज़ा आएगा. आप बोलेंगे कि वाह मैम कितना अच्छे से आपने इसको हमको बताया है कि खाना इससे हमारा ही अच्छा है. फिर हम इनकरेज करेंगे हमारे बच्चों को कि वो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर ले और कैसे डाइजेशन होता है वो देख ले. क्योंकि डाइजेशन से हम पहले आपको ड्रॉ नहीं करना है, आप छोटे हो 5th स्टैंडर्ड में, तो कोई बात नहीं. आप कोई भी ड्राइंग जो आपको मिली है वो इस पर आपको स्टिक करनी है, ठीक है. स्टिक करके वो पिक्चर्स आपको उस पर रखने हैं, ओके. तो इस तरह से आप अपना ड्राइंग कम डायग्राम आप दिखा सकते हो कि कैसे उनके विंड पाइप से यहाँ पे बच्चों का जो विंड पाइप है वो यहाँ से आके फिर उनके पैंक्रियास में जाके जो भी खाना मिक्स होता है बच्चों वो सॉलिड होके फिर बाहर निकलता है एनिस से. तो ये आपको प्रक्रिया अच्छे से समझनी है और ज्ञान आपको लेना है. क्योंकि यहाँ पे सब बॉडी में सब फंक्शनिंग है, एक मशीनरी की तरह हमारी बॉडी बच्चों चलती है. तो ये पिक्चर्स आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं. आप बड़े हो घर पे तो आप छोटे भाई बहनों को भी समझा सकते हो. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, हाउ डू यू डिस्क्राइब इट. तो फॉर एग्जांपल समटाइम्स वी आर जोकिंग दैट आई एम सो हंग्री दैट आई वुड नॉट ईट ऑल. हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री. तो पेट में से काफ़ी आपको आवाज़ें आ जाती है बच्चों, काफ़ी आपको लगता है कि मैम अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ ऐसे करके. तो कैन यू ईट ड्रिंक. अभी अगर आपका फास्ट है और आप नहीं खा पा रहे पी पा रहे तभी भी आपको ऐसी बातें होती हैं. इसीलिए हमेशा कॉम्पनसेट करते हैं हम कि कौन सा हम खाना खा सकते हैं बच्चों. जैसे अगर आपको बोला है कि कल आपको उपवास रखना है तो बच्चों आप क्या करोगे, ये कोई ऐसे बोलेगा, कोई ऐसे बोलेगा, कोई ऐसे बोलेगा और कोई ऐसे बोलेगा. बोलेगा मैम मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, मैं हंग्री हूँ आज, मुझे कुछ खाना नहीं दिया है क्योंकि मम्मा आज नहीं है. तो कोई नहीं, बाजू वाली आंटी आपको बुला लेगी, वो बोलेगी चलो. तो जब मेरी छोटी बहन हाथ में थी तो वो भी रोती थी कि मुझे खाना चाहिए, ठीक है. आई गेट एंग्री व्हेन आई एम हंग्री. तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब मैं एंग्री होती हूँ कि मुझे खाना किसी ने दिया नहीं. मैं एंग्री तब होती हूँ जब मैं टायर्ड होती हूँ. आई हैव हेडेक व्हेन आई फील हंग्री. तो मुझे मेरा ब्रेन सिग्नल देता है कि मुझे अभी कुछ खाना है, है ना. तो ये चीज़ें हमारे साथ अक्सर होती है. तो आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे से खाना है. अगर आपको फ्रूट्स नहीं खाना है तो आप वेजिटेबल्स खा सकते हो, आप जो भी अच्छा लगे आपको कच्चा फ्रूट्स खा सकते हो और डाइजेशन आपका अच्छे कर सकते हो. और टंग की तो बात आज हम पढ़े क्या कि टंग की तो बात इतनी खूबसूरत होती है कि जैसे चमेलियन भी देखता है बाहर से कि उसकी फ्लाइज है तो लपक के वो अपनी जीभ छोड़ता है, ठीक है, अपनी यहाँ पे जीभ छोड़ देता है और वो बताता है कि ये चीज़ जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है. और ये देखिए ये है और वो फटाक से उसका स्प्रे ले लेता है. जैसे मक्खी मधुमक्खी जो भी पड़ी हो वहाँ इंसेक्ट्स वो खा लेते हैं. जैसे हम इंसान हैं, हम आइसक्रीम देख के ये चीज़ें होती है हमारे में. तो ये सीखना है हमें और कौन से फ्रूट्स, कौन से वेजिटेबल्स हमको कौन सा जायका देते हैं वो हमें देखना है बच्चों. तो बस आज के लिए इतना ही. आप रिविजन करते रहना. आगे के जो भी हमने टेस्ट बर्ड्स हमने सॉल्व किए हैं, टेस्टिंग ऑफ द डिफरेंट आइटम्स, वो आप देख लीजिए किसका स्वाद खाने पे कैसे होता है, मछली का कैसा होता है जो खाते हैं वो, आंवला कैसे होता है,
चटपटी इमली कैसी आवाज़ वो स्मेल देती है और दे आपको कैसा जायका देती है वो आपको बताना है और वो आपको अच्छे से लर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।